वैक्सीन की दो डोज ली हो या तीन, फिर भी होंगे कोरोना से संक्रमित। कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट, जाने कैसे करें बचाव और कैसे पहचाने लक्षण। भारत में इन दिनों कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3038 मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 21179 हो गई है। एक दिन में 9 मौत भी दर्ज किए गए हैं। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल में केस तो बढ़े ही हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र से 3 और दिल्ली, केरल, कर्नाटक और राजस्थान में एक एक मौत दर्ज की गई है। भारत में कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन सा वेरिएंट है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत सरकार द्वारा कोरोना वेरिएंट की जांच के लिए स्थापित की गई जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं की एजेंसी भारतीय सार्स-कोव जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB.1.16 है, जिससे सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। इस वेरिएंट की वजह से 60% कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। तो वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25-30% मामले केवल XBB वेरिएंट और उसके सब वेरिएंट के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 27 फरवरी 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक देश में बढ़ रहे कोविड के मामलों पर कहा है कि भारत में बढ़ रहे कोरोना के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 है। देश में इन दिनों तेजी से फैल रहे XBB.1.6 वेरिएंट के बारे में कई अलग अलग लक्षण सामने आए हैं। कोरोना के पुराने वेरिएंट के लक्षण जैसे थकान, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नाक का बहना और खांसी आदि XBB.1.16 वेरिएंट के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट में दर्द और बेचैनी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है। कोविड विशेषज्ञों के मुताबिक यह अब तक का पाया गया सबसे तेजी से फैलने वाला कोविड सब वेरिएंट है और अगर उचित सावधानी नहीं बरती गई तो यह काफी तेजी से फैल सकता है। नया XBB.1.16 वेरिएंट कम से कम 12 देशों में पाया गया है, जिसमें सबसे अधिक मामले भारत में मिले हैं। ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स यानी ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार वृद्ध या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें हृदय रोग, डायबिटीज, इम्यूनिटी कमजोर, HIV पॉजिटिव, फेफड़े, किडनी या लीवर की बीमारी है, इसके अलावा जिनको मोटापा और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन लोगों को कोरोना का खतरा अधिक है। यदि किसी को कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें और फिर कोरोना की जांच कराएं। वहीं मौसम बदलने के कारण फ्लू के मामले में भी वृद्धि हुई है, जिसके लक्षण कोरोना जैसे हैं। हो सकता है आपको सामान्य फ्लू हो, इसीलिए बिना जांच कराए और डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी मेडिसिन ना लें, अन्यथा आपके लिए ये घातक हो सकता है। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।